बालसा मोर बोले रे भोले बागे रे हो गजरा सिरनी धरती हो गजरा सिरनी धरती हो गजरा भोले बागे रे नृत्यों की एक विविधता भरी बहुत समृद्ध परंपरा हमें विरासत में मिली है। हर नृत्य एवं संगीत का अपना आकर्षण है, अपनी मिट्टी की सुगंध है। कुछ नृत्य ऋतुओं का स्वागत करते हैं तो कुछ फसलों का उल्लास मनाते हैं, कुछ उत्सव त्योहारों से जुड़े होते हैं तो कुछ नृत्यों में अभिव्यक्त होते हैं जीवन के सुख दुख। स्वच्छंदता, लय और ताल नृत्यों और संगीत की विशेषता होती है। संगीत और नृत्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब इस परंपरा से जुड़ती है नई पीढ़ी। रासलीला जो विशाल कीर्तन परंपरा की एक झलक है। ये मणिपुर के पूर्व वैष्णववादी धार्मिक नृत्य संगीत और लाई हारा ओबा उत्तर वैष्णववादी अभिनव कलाओं का मंचन है। मणिपुरी रासलीला भगवान चैतन्य के नट संकीर्तन के साथ शुरू की जाती है। मणिपुर की वैष्णव परंपरा में महारास, वसंत रास, कुंज रास, नित्य रास और दिवा रास का संयोजन है। Oh, yeah.
इस नृत्य की खासियत है नर्तकों की विशेष वेशभूषा। किसी भी नृत्य को रोचक और आकर्षक बनाने में उसमें पहने गए परिधान का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी सच्चाई का अंदाजा इस नृत्य को देखकर आप स्वयं लगा सकते हैं। जाता है कि मणिपुर के राजा ने अपने दिव्य ज्ञान से श्रीमद् भागवत के 10वें खंड के आधार पर रास लीला की परिकल्पना की और इसे महारास का नाम दिया। इंगलवा मलयानुसितसु तत्न तत्न सिंबतुंग होमलिवा बर्सेंटगे पुनिमानसु हेननिंग थीरवा अहिंगशिरा अइखोई मयामलोइनेदुना रासलीला सानरसी पुक्निंग ननिंगबा थुंगहल्लासी। इबुंगो राजा की पुत्री निंबावती ने भगवान कृष्ण को राधा के रूप में समर्पित करते हुए महारास किया। ये नृत्य लगातार 5 रात तक चलता है और नवंबर मास के पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। राधा कृष्ण
रास लीला में नृत्य के दौरान श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण होता है। इस नृत्य में नर्तक ही मुख्य गायक होते हैं, जो कृष्ण की सखी का अभिनय करते हैं। सभी नृत्यों की अपनी एक परंपरा होती है। ये नृत्य हमारी पहचान है। इन्हें देखकर आनंदित होने के साथ साथ इन्हें संभाल कर रखना, सीखना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है।